साहब हिस्टी सीटन ने अवैध डेयरी खोल रखा है, विरोध करने पर फसल नष्ट करता है। बरेली में बरादरी के लोगों ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के जोगी नवादा निवासी हिस्ट्री सीटर गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू पुत्र रामस्वरूप कुछ कृषि भूमि लेकर उसमें गलत तरीके से डेयरी बना रहा है, जिसमें लगभग 25 भैंसे व लगभग 50 गाय हैं। आरोप है कि उस पर कई थानों में अपहरण और हत्या के कई मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी अपने साथी सियाराम निवासी अलादपुर निज्जत नगर के साथ मिलकर लोगों की फसल नष्ट करवा रहा है। रात के समय गाय भैंस खेत में छोड़ देता है, जिससे पशु फसल को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। विरोध करने पर धमकी देता है कि कम पैसे में अपनी ज़मीन मुझे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लोगों ने हिस्ट्री सीटर पर कार्रवाई करने की मांग की है। रामनाथ सिंह, क्या मामला जो अभी यहाँ पे है? ऐसा, हमारे गांव में पप्पू गिरधारी ने एक डेयरी बना रखी है जानवरों की, जिसमें 60-70 जानवर हैं, गाय भैंस हैं। वो जानवर उनके वहाँ आवारा चरते, छोड़ दूध निकालने वहाँ छोड़ देते हैं, चरते रहते हैं। और उनसे कहा गया तो वो धमकी देते हैं कि हमारी पत्नी बीजेपी की मंत्री हैं, तुम जानते नहीं हो, और इस तरह ही धमकी देते हैं। बोले गांव में मैं आऊँगा तब बात करना, कोई मुझसे आंगला बात नहीं करता है, और तुम मुझसे बात करते हो। लोगों ने विरोध किया तो, और बहुत ज़्यादा हड़का रहे थे गाँव में। बोले मैं आऊँ तब मुझसे बात करना, यहाँ मेरे हमने बोलता कोई नहीं है, तुम लोग मुझसे बात। कितनी ज़मीन है लगभग? लगभग किसकी? पप्पू गिरधारी? नहीं, आप लोग ही पाँच छः गाँव की जमीन है। 200-250 बीघा बिल्कुल जमीन। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और बुलवाया जाएगा थाने में, बैठ के बात होगी, और इनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।